सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई जैसा कि तुम लोगों को पता है, मैंने 2-3 दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, कोंकर लॉबी की टीम के साथ की क्लचेस या फिर सोलो से स्क्वाड की क्लचेस। और आप में से ज़्यादातर बंदों ने यही बोला कि भाई सोलो से स्क्वाड क्लचेस देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब भाई मैं बैठा था कोंकर पे बिल्कुल टॉप पे, पर क्योंकि तुम लोगों की डिमांड थी तो अब मैंने कोंकर लॉबी पे ही सोलो से स्क्वाड और डुओ से स्क्वाड खेलना चालू कर दिया है। और भाई आज की वीडियो में भी एकदम खतरनाक सोलो से स्क्वाड के क्लचेस होंगे और 2-4 क्लचेस में आप लोगों को मेरे टीममेट्स भी दिखाई देंगे, वो इसीलिए क्योंकि वो मेरी थोड़ी ओल्ड क्लिप्स हैं एंड उसमें मैं टीममेट्स के साथ ही खेल रहा था। तो अभी आने वाली जितनी भी नई वीडियोस होंगी उनमें आप लोगों को बिना टीममेट्स के ही मेरे क्लचेस देखने को मिलेंगे। बाकी मैं यहाँ पे सोलो से स्क्वाड खेल रहा था और मैं यहाँ कूदता हूँ पोचिंग की में, तभी एक गाड़ी दिखाई देती है। अब जैसे ही मैं इस बंदे पे गोलियां चलाता हूँ भाई, ये गुस्से में अपनी पूरी की पूरी स्क्वाड को लेकर आ जाता है और मेरे ऊपर रश कर देता है। और भाई अभी देखना, अभी मैं इनका एक बंदा मारता हूँ और जैसे इसको मारता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि भाई मेरे पास अभी यहाँ पे लूट नहीं थी। तभी इनके बंदे रश कर देते हैं। और इसी के साथ मैं इन बंदों को यहाँ पे खेल खत्म कर देता हूँ। सो गाइस, क्या आप भी BGMI टूर्नामेंट्स खेल के रोज 50,000 रुपए जीतना चाहते हो? तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और ये ऑलमोस्ट 8 करोड़ की विनिंग बांट चुके हैं। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको काफी टाइप्स के टूर्नामेंट मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें 0 वेटिंग टाइम है। और इस ऐप में कस्टम रूम्स की भी जरूरत नहीं है, बस अपना क्लासिक रैंक खेलो जैसे रोज खेलते हो और सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपकी किल्स डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ रोज BGMI खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटीड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में बेस्ट है। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। शुरू के 1000 यूजर्स को डाउनलोड करने पे मिलेगा 600 रुपीज का साइन अप बोनस, जिससे कि आप लोग फ्री में टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और मजे की बात तो ये है कि जो पैसे आप जीतोगे वो आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और कोई भी UPI ऐप के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, डाउनलोड करो और फटाफट से जीतो 50,000 रुपए डेली। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। अभी एक को नॉक किया, इसके बाकी के बंदे ऊपर थे तो सबसे पहले तो मैं एक नेड पिन करता हूँ। ऑलरेडी हो गया क्या? और अभी अपनी फाइट होने वाली है एक स्ट्रीमर की स्क्वाड के अगेंस्ट। तो मैं यहाँ पे अपना बैकपैक थोड़ा खाली कर रहा था तभी मेरे टीममेट को एक स्ट्रीमर की स्क्वाड का बंदा नॉक कर देता है। और भाई अभी ये लोग हमारे ऊपर रश करने वाले हैं। सबको चुन चुन के मार रहा है, छोड़ के इसका नेट चल रहा है। अबे हैकर की नेट, इसका नेट चल रहा है, ये भागा हैकर का। अब मेरा POV देखो, और गाइस मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें अगले वीडियोस में हैंड कैम भी चाहिए क्या। नेट ही चला, रिवाइव दे रहा है। कैसे गए? हेलो हेलो, हैकर है क्या? भाई तू हैकर है? हेलो भाई तू हैकर है क्या? हैकर हो तुम? हैकर हो तुम? नहीं दीदी, तुमने ऐसे कैसे मार दिया? हमारा भी चैनल है ट्रेडर्स लाइव नाम से, तुम देख लो ठीक है। लाइव हो क्या? हां लाइव है। अभी गाइस अपनी अगली फाइट होने वाली है स्कूल अपार्टमेंट्स की। एक बंदा चुपके से जंप लगा के साइड वाले रूम में आ जाता है। अंदर है क्या? और भाई कमेंट करके बताओ कि ये क्लच तुम लोगों को कैसा लगा।
अभी क्या जैसे इन बंदों को मारता हूँ यहाँ पे एक और स्क्वाड आके हमारे ऊपर रश कर देती है, तो मैं फटाफट से इन बंदों पे रश कर देता हूँ। अभी एक बंदा मेरे लेफ्ट में आके 9 फुट बैठा था बिल्कुल कैंप करके, तो मैं सबसे पहले तो एक मोली करता हूँ ताकि इसके टीममेट इसको बचाने ना सके, क्योंकि भाई मैं हेडफोन लगा के खेलता हूँ। अभी यहाँ पे इसका एक टीममेट सामने था तो मैं एक मोली करता हूँ और उसके बाद वेब शूटर लगा के रश कर देता हूँ। अब बचा था इनका लास्ट बंदा जो कि नीचे था, तो इस पर भी रश कर देते हैं और ये बंदे तो पक्का रिपोर्ट करके गए होंगे मुझे। अभी इसके बाद मेन अपार्टमेंट में आ जाते बंदे, तो भाई मैं सीधा इन पर रश कर देता हूं और भाई अभी यहां पे गलत सीन होने वाला है। और भाई अगर तुम्हें क्लच पसंद आया हो ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 300K के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अभी बिकॉज मैं यहाँ पे रिकॉल हो के आया था और तभी यहाँ पे हमारे ऊपर एक स्क्वाड रश कर देती है। और भाई ये बंदे यहाँ पे हमें बहुत ही गंदा घेर चुके हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास कवर के नाम पे एक छोटी सी शेक है, तो अभी देखना। और इसी के साथ मैं इन बंदों का भी यहाँ पे खेल खत्म कर देता हूँ। अभी बिकॉज मैं खेला था सोलो से स्क्वाड और मैं कूदा था प्रिजन में, तो पीछे बंदे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक गन ढूंढता हूँ, सामने M7 दिखी। अभी नीचे से एक बंदा शॉटगन लेके रश कर रहा है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास हेलमेट और वेस्ट दोनों ही नहीं है। अभी इन तीनों को तो मार देता हूँ, अभी बाकी के बंदे नीचे थे तो फटाफट से नीचे चलते हैं। और भाई अभी एक बार स्प्रे देखना बस। अभी मैं अपने यहाँ पे सेकंड रिकॉल लेके कूदा था स्कूल अपार्टमेंट्स में और भाई यहाँ पे मेरे नीचे पूरी की पूरी एक स्क्वाड थी। भाई इसे कहते हैं बिना लूट के 1v4 करना। अभी गाइस मेरे सामने वाले अपार्टमेंट में थे बंदे, तो मैं दब दब लेके बंदों पे रश कर देता हूं। और भाई पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कभी कभी मैं फायर बटन दबाता हूं और भाई मेरा बंदा फायर ही नहीं करता या फिर बहुत लेट फायर करता है, मतलब कुछ समझ रहे हो, मतलब सर्वर डिले टाइप का चलता है। तो भाई ऐसा सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या तुम लोगों के साथ भी हो रहा है, एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे दो बंदों को मैं गाड़ी से उतार देता हूँ और मुझे लगता है कि भाई अभी ये टीम खत्म हो चुकी है और इनका एक भी बंदा यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इनको आराम से लूटने के लिए, तभी देखो यहाँ पे क्या होता है। अभी सबसे पहले तो कवर में जाता हूँ। और भाई ये लास्ट वाले बंदे के पास दबदब थी, तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ यहाँ पे मैं।
अब यहाँ पे मैं काफी लो चुका था तो मैं हील करने के लिए ऊपर आता हूँ और जैसी मेरी हीलिंग कंप्लीट होती है अभी यहाँ पे ये लोग मेरे ऊपर सीधा रश कर देते हैं तो मैं फटाफट से माउंटेन ड्यू पीता हूँ और डर को बाय बाय बोल देता हूँ। अभी देखना और भाई मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारी फेवरेट शॉटगन कौन सी है। अभी मैं होता हूँ जॉर्ज बोल में और सामने एक यूट्यूबर की स्क्वाड होती है तो मैं उस पर पुश कर देता हूँ। अब इनका आखिरी बंदा यहाँ पे हील कर रहा था क्योंकि मैं उसको लो कर चुका था तो तब तक के लिए मैं भी हीलिंग कर लेता हूँ और जैसी हील कंप्लीट होती है भाई ये बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है तो भाई अभी देखना। और अभी इस यूट्यूबर की स्क्वाड से मेरी दोबारा फाइट होगी तो अभी देखते रहना। अभी मैं इनको मार के यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट कर ही रहा था पर तभी यहाँ पे अक्षयता बाबू मुझे डीपी से नॉक कर देती है तो अभी बाबू से बदला लेते हैं। अब यहाँ पे इनका एक बंदा तो मैं नॉक कर देता हूँ पर भाई ये लोग यहाँ पे पूरा फैले हुए थे अलग अलग एंगल को होल्ड करके बैठे हुए थे तो सबसे पहले तो मैं रिवाइव होता हूँ और उसके बाद अपना बदला लेते हैं। और भाई इनका एक बंदा चुपचाप पीछे फ्लैंक मार गया था तो उसको नॉक किया। अभी बचे थे आगे वाले बंदे। अब इसको नॉक करते ही मैं सीधा बाकी बंदों पे रश कर देता हूं। अब यहां पे इवेंट क्लियर करने के बाद मैं जाता हूं सीधा अपार्टमेंट में और वहां पे भाई अपनी फाइट होने वाली है दोबारा से यूट्यूबर की स्क्वाड के साथ। तो भाई अपनी अगली फाइट होने वाली है एक स्ट्रीमर के अगेंस्ट में तो मैं था याश नए में और मुझे सामने से फायरिंग की साउंड आ रही थी तो मैं बंदों पे रश कर देता हूँ। अब इस बंदे को मारती मैं सीधा भागियों पे भी रश कर देता हूँ। अब यहाँ पे शायद भाई की पिंग हाई थी तो यहाँ पे फेयर फाइट नहीं थी। खैर अभी बाकी बंदे ऊपर थे तो सबसे पहले तो मैं एक नेड पिन करता हूँ और उसके बाद बाकी बंदों पे भी रश करते हैं। मेरे बेस बंदे दी कल्ले दी 14 दी केडी है। क्या कंटेंट बनवा दिया? बढ़िया भाई लौंडा बढ़िया खेला तो क्यों कंटेंट क्या है ये? 14 दी केडी 14 दी अप्रिशिएट करना बनता है मेरी जान। फिर क्या होगा कंटेंट बन गया अगले का। अच्छा खेलता तो कंटेंट तो बनेगा ही उसका। अरे मैं तो उधर गड़बड़ लग गई थी यार तू कहना बढ़िया गड़बड़। अरे ओ यूट्यूबर है अरे कॉन्कर लोग भी बंदे भेज रहे थे यार और हाँ भाई एक और चीज़ कंटेंट को ना सिर्फ कंटेंट की तरह लिया करो किसी को भाई हेट वेट मत दिया करो। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है आजकल चल रहा है कि एक बंदे ने किसी दूसरे को मार दिया तो भाई उसकी ऑडियंस दूसरे बंदे को जाके हेट देने लग गई और ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर हैशटैग बिक्सी आर्मी वगैरह लिख के कुछ भी लिख के किसी को हेट दे रहा है या गाली दे रहा है। तो सिंपल सी बात है यार हर कोई मेहनत कर रहा है तो किसी को गाली वाली मत दिया करो। उल्टा अगर आप लोग कभी किसी भी भाई लोगों के चैनल पर जाते हो तो लव फ्रॉम बिक्सी पर लिख देना भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब बचा था इनका लास्ट बंदा जो कि नीचे था और भाई अभी तुम अपने भाई के रिफ्लेक्स देखना। अभी यहां पे इन दोनों बंदों को तो मैं मार देता हूं और इनसे मेरी दोबारा से फाइट होगी तो अभी देखना। अब इन दोनों को दोबारा से मारने के बाद मैं निकल जाता हूं जोन की तरफ और भाई शॉप पे बंदे थे तो अभी इनको मारते हैं।
तो भाई मेरे टीममेट को सामने वाले घर पे बंदे मार देते हैं, तो फटाफट से भाई मैं गन उठाता हूँ और पहुंच जाता हूँ बंदों पे बदला लेने के लिए। और भाई अभी देखना, अभी सामने चार बंदे थे, एक मैं नॉक कर चुका था तो टाइम था बंदों पे रश करने का। अब बचे थे बाकी के दो बंदे जो कि अपने टीममेट को सामने रिवाइव दे रहे थे। तो भाई गतका के रिकॉल के पास कुछ बंदे मेरे टीममेट को पेल देते हैं, तो मैं फटाफट से बाइक उठाता हूँ और पहुंच जाता हूँ अपने टीममेट का बदला लेने के लिए। और भाई अभी देखना, बिल्कुल मेरी क्रेट लूट रहे हैं, दो घर पे भी होंगे शायद बैठे। अभी मेरा टीममेट बोलता है कि दो बंदे घर पे भी हैं, तो मैं फटाफट से राइड में जाता हूँ ताकि घर वाले बंदे अपने टीममेट्स को कवर ना दे पाए। अभी सामने एक स्मोक करता हूँ ताकि इसकी बगी उठा सकूं, तभी सामने एक और बंदा स्पॉट होता है। अभी इसको भी गाड़ी से उतारा, तो अब टाइम था बाकी बंदों पे रश करने का, तो फटाफट से गाड़ी उठाता हूँ और पहुंच जाता हूँ बंदों पे। मतलब भाई सीरियसली उस बंदे ने S12K से मेरे टीममेट को यहाँ पे गाड़ी से उतार दिया और दूसरे बंदे ने दब दब से मुझे यहाँ पे काफी लो कर दिया था। खैर अभी यहाँ पे फटाफट से हील करता हूँ और उसके बाद सीधा बंदों पे रश करते हैं। और इसी के साथ तुम्हारा भाई यहाँ पे अपने टीममेट्स का बदला ले लेता है। अब यहाँ पे मैं काफी ओपन में था, तो फटाफट से गाड़ी उठाता हूँ और उसके बाद निकलता हूँ सीधा कवर की तरफ। अब यहाँ पे एक स्टीमर की स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर देती है, तो फटाफट से पहले तो मैं एक नेट पिन करता हूँ। अब बचा था लास्ट बंदा जो कि इसी का टीममेट है, तो मतलब उधर ही कहीं पे लेटा होगा। सो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।